यह गणगौरा नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में समाचार संकलन करने गए पत्रकार एवं अन्य मरीज के परिजनों के साथ जूनियर डॉक्टरों के द्वारा की गई मारपीट को लेकर विभिन्न संगठनों ने दोषी डॉक्टरों की गिरफ्तारी की है मांग। यह के विभिन्न संगठनों एवं पार्टी के नेताओं ने पत्रकार पर जूनियर डॉक्टरों के द्वारा हमले की निंदा करते हुए जिला प्रशासन से अतिशीघ्र उपयुक्त डॉक्टर की गिरफ्तारी की है मांग। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक समाचार संकलन करने में मीडिया कर्मियों के साथ मारपीट की गई है। ये मामला संज्ञान में आया है। मैंने सरकार के स्तर पर भी इसको माननीय प्रभारी मंत्री तक बात को पहुंचा दिया है और जिला प्रशासन ये आश्वस्त करता है कि अगर जो दोषी हैं उन पर भरपूर कार्रवाई की जाएगी। उसको तो अविलंब सजा मिलना चाहिए। मीडिया वाले पर तो ऐसा कार्रवाई होना ही नहीं चाहिए था। जब मीडिया पर यह कार्रवाई हो जाएगा तो फिर गरीब की बात सुनने कौन जाएगा। और खास करके डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो है इनको तुरंत यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके वजह से बहुत दिक्कत। बिहार में सरकार नाम का कोई चीज नहीं है और ये घटना ये पहली घटना नहीं है। पत्रकारों पर बिहार में बहुत बार हमला हुआ है लेकिन सरकार कुछ नहीं करती क्योंकि सरकार में अब नीतीश कुमार सरकार के मुख्यमंत्री नाम के हैं लेकिन सरकार अपराधी चला रहे हैं। बच्चा चोरी घटना यहाँ पर हुआ और बच्चा के परिजनों के मारपीट डॉक्टर लोग कर रहे थे। इसी को बचाने के लिए पत्रकार जो है सही चीज़ दिखाने गए थे और ऊपर प्राणलेवा हमला का मतलब है कि सच को छुपाने की कोशिश। देखिए, जानकारी आप लोगों के माध्यम से हमको मिला है और मैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के एक मंडल मगध मेडिकल कॉलेज पहुँचेगा और पूरी जानकारी लेकर के अपने माननीय बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी से, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री माननीय सुशील मोदी जी से ये सारी बात को उनके समक्ष में रखूंगा। जो घटना है वो बेहद शर्मनाक है। मैं सारे मीडिया के साथी को जानता हूँ, गया के जितने साथी हैं, तो जैसा हमको पता चला कि अगर अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में बच्चे की चोरी होती है, नवजात बच्चे की चोरी होती है, तो ये तो ऐसे ही इतना बड़ा ब्लंडर है। और उस पर जब वो चाहेंगे कि हम मीडिया जो हम आवाज़ को रखती है, जनता के बीच में सच्चाई को रखती है, उसके कवरेज के लिए जाने पर ऐसा हुआ है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से सारे मीडिया के जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं उनसे कदम से कदम मिला करके और ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए जिला प्रशासन और आईजी और अपने महानिदेशक डीजीपी साहब को मैं ये एक संदेश देना चाहूँगा कि आए दिन मीडिया समाज के काम में अग्रणी होकर अपनी भूमिका को निर्वहन करते हैं और ये मगध मेडिकल के इंटर्नशिप के जो डॉक्टर्स लोग हैं, पत्रकार बंधुओं पर जो कातलाना हमला किया है, मैं इसकी कड़ी निंदा